तो फ्रेंड कॉम्पटर नॉलेज इंटरनेशनल के लिए आपका स्वागत है। हमारा कॉम्पटर हावी का कोर्स ए प्लस जो है कौन क्या हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। तो पिछली वीडियोस के अंदर में आपको बहुत कुछ समझा दिया था कंपोनेंट मतलब कि कॉम्पटर हावी के बारे में। तो कॉम्पटर के अंदर हमारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं फोटोज वीडियोस मैप एप्स वो सभी कुछ जो है प्रोसेसर के अंदर बाइनरी कोड में काम करता है और मदरबोर्ड भी उसके अंदर जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है सिग्नल भेजता है जो भी होता है वो बाइनरी में होता है और वो सिग्नल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल लेवल पर कन्वर्ट होकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो। तो इन सभी के अंदर ये इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें देखने को मिलती है माउस कीबोर्ड यूएसबी ये सब कुछ मैंने आपको जो है पिछले वीडियोस के अंदर समझा दिया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कंप्यूटर हार्डवेयर का काम ही यही है कि चीज़ों को समझे जाने पहचाने उसको किस तरह से ये वर्कआउट करता है किस तरह से ये सेटअप होता है यहाँ पर। ओके ये पुराने वाले मदरबोर्ड आज की 1979 के अंदर और उसके अलावा फिर 1985 के अंदर बहुत सारे अलग तरह की मदरबोर्ड की डिज़ाइंस आना स्टार्ट हुई। ओके तो मदरबोर्ड की बहुत सारे अलग अलग मैंने आपको सिस्टम्स बताए थे प्रोसेस किस तरह की थी ये वीडियो जाकर देख लीजिए कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बस किसे कहते हैं बस का काम क्या होता है बस का वर्कआउट क्या होता है इस बस से क्या हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं क्या हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट और रोल्स होता है। ओके ये मैंने आपको समझाया था और साथ ही यहाँ पर जितने भी छोटी मोटी हमारी इंडिकेटर आईसी मतलब कि इंटरनल आईसी स्मॉल होती है चिप्स फॉर्म में मैंने आपको समझाया था। तो पहले जो भी हमारे कंप्यूटर जो थे आते थे वो टावर टाइप के अंदर आते थे तो घर के अंदर मिनी टावर टाइप के हिस्से होते थे यहाँ पर SSF। ओके फिर सर्वर्स के अंदर मिड टावर फुल टावर के अंदर हिस्से होते थे फिर बाद में अलग अलग तरह की डिज़ाइन के कंप्यूटर निकले और इसका रीज़न जो था नैनो टेक्नोलॉजी। ओके तो डिज़ाइन वगैरह ये जो है हमारा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया था। हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो हमारा मेन सिस्टम की मदरबोर्ड के अंदर हम पावर पिन कहाँ पर लगाएं ये बताना चाहिए वही आपको ये समझा दिया था वीडियो जाकर देख लीजिए। पावर पिन की सिस्टम कैसे काम करती है वो मैंने आपको समझाया था रिसेट पिन क्या होती है और वो रिसेट पिन कहाँ पर हम मदरबोर्ड के अंदर लगाते हैं वो भी मैंने कुछ समझाया था काफ़ी बेसिकली इजी तरीके से। पावर LED जिससे हम जब से हम पावर ऑन करते हैं हमें पता होता है कि पावर ऑन जो होता है तो हमारी लाइट्स जो है ऑन होती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सिस्टम जो है ऑन हुआ है। यहाँ पर हार्ड डिस्क LED हमारी हार्ड डिस्क की प्रोसेस और उसकी एक्टिविटी के राइटिंग में रीड और राइटिंग दोनों के अंदर ये जो है इंडिकेट करके बताता है यहाँ पर ये कहाँ पर इसकी पिन लगती है कैसे लगानी होती है ये एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस होता है कहाँ पर हम लोकेट करते हैं कहाँ पर इसको हम लगाते हैं ये भी समझाया था। इंटीग्रेटेड सर्किट ICs के बारे में समझाया था। ओके ये वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट ICs के बारे में बताते हैं यहाँ पर। ओके इंडिकेटर बोर्ड LEDs के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पिछली वीडियोस के अंदर मैंने कुछ समझाया था कि इंडिकेटर बोर्ड्स LEDs कहाँ पर यूज होते हैं। आज हमारा जो वीडियो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर चल रहा है पोस्ट बोर्ड LED डिस्प्ले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको समझें। तो पोस्ट कोड LED डिस्प्ले कहाँ पर यूज़ होता है क्यों हम यूज़ करते हैं कैसे हम यूज़ करते हैं पोस्ट कोड LED डिस्प्ले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल से ऐसा समझो कि ये बहुत ही काम आता है और कौन यूज़ करता है वो भी आपको समझाऊंगा। ओके
तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं पोस्ट कोड एलईडी डिस्प्ले के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको YouTube में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, YouTube ओपन कर लेना है या YouTube की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, YouTube की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर नेटवर्क सॉफ्टवेयर यहाँ तक कि एडवांस टिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे ही प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्ले लिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की गई होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कम्प्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर, विंडो 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप जैसे थे कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं
कंटिन्यू करता जाऊंगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए। तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखने है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके उनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो पोस्ट कोड एलियन डिस्प्ले की हम बात करते हैं, तो हमारी मेन सिस्टम जो है इस तरह से आपको पोस्ट कोड एलियन डिस्प्ले आपको मिलता है। इसका कौन यूज़ करता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, इसको मैं इजी तरीके से समझा दूँगा आपको, फिर इसका तरीका मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर समझाऊँगा। देखिए, पोस्ट कोड एलईडी डिस्प्ले ही वो लोग यूज़ करते हैं जिनको मदरबोर्ड की रिपेयरिंग करनी होती है, जिनको मदरबोर्ड को रिपेयर करना आता है, जिनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज होता है। जैसे कि मान के चलते एक कोई एक सर्किट, इसको ही हम सर्किट समझ लेते हैं, कि अगर कोई ट्रांजिस्टर खराब हुआ है या फिर कोई मॉस्फेट खराब हुआ हो या तो फिर कोई भी चीज़ ऐसा समझ लेते हैं, कोई आईसी शॉर्ट हुई हुई, और उसका काम जो है हमारे मदरबोर्ड का कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर स्टार्टअप नहीं हो रहा है, तो ये जो है कोड जनरेट करता है यहाँ पर। ओल्ड जनरेशन टाइप का आपके सामने बोर्ड है, ये पीसीआई कार्ड के अंदर आ जाता है, और ये जो आईएसए जो पुराने टाइम के अंदर था उसके अंदर ये यूज होता है। अब तो ये पीसीआई बस पर ही ऑलमोस्ट जो है हमारा मदरबोर्ड काम करता है, आईएसए बस जो है अभी बंद हो चुकी है। तो पीसीआई कार्ड जो बस है इसके अंदर से हमें जो है सिग्नल्स मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट पीसीआई कार्ड के अंदर हमारी जितनी भी बसेस होती है उस हिसाब से इसको बनाया जाता है, इसको सेटअप किया जाता है, इसका वर्कआउट और इसकी सिस्टम आई थिंक बहुत सारी अलग अलग कम्युनिकेशन की उसके अंदर लाइन्स जुड़ी होती है इलेक्ट्रिकल, जिस तरह से हम यहाँ पर इसकी बसेस होती है उस तरह से जैसे ही हम इसको पीसीआई कार्ड में सेटअप करते हैं तो वो जो है लिंक होता है यहाँ पर। जैसे कि इस पोस्ट कोड को मैं यहाँ पर लगा दूँ, यहाँ पर पीसीआई कार्ड के अंदर लगा दूँ, अभी यहाँ पर ये फिट नहीं होगा क्योंकि ये पीसीआई एक्स 10 है। ओके, तो यहाँ पर पीसीआई एक्स कार्ड के अंदर ये छोटा है लेकिन ये बड़ा वाला आपको मिलता है इस तरह से, लेकिन ये कार्ड नहीं चलेगा इसके अंदर। ओके, लेकिन ऑलमोस्ट मान के चलते हैं कि अब ये जो है आप लगा भी लेते हो तो इसको क्या करना पड़ता है, पावर ऑन करना पड़ता है। ओके, इसके अंदर आपको पूरा रैम मदरबोर्ड की प्रोसेसर को लगाना होता है,
रैम लगाने के, प्रोसेसर लगाने के बाद एक आध हम जो है हार्ड डिस्क भी लगा लेते हैं, या तो फिर हम जो है इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ढूंढनी है वो सब कुछ हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पर यूज़ होता है। ओके, ये ऑलमोस्ट वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको मदरबोर्ड की पूरी नॉलेज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की होती है। ओके, भले ही वो चाहे फिर कोई भी किसी तरह से फॉल्ट ढूंढने में कैपेबल होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि छोटा सा ये कंपोनेंट जो है ये पीसीआई मतलब कि एजीपी स्लॉट के प्रॉब्लम में है, तो मुझे पता चल जाएगा कि एजीपी का कोई ना कोई लेयर जो है ये है एजीपी कनेक्शन टेक्नोलॉजी का, तो एआईसी को मैं रिप्लेस कर दूंगा, बदल दूंगा। तो इसके लिए आपको हीट गन की यूज़ कर सकते हैं, शोल्डर पेस्ट यूज करके इसको निकाल कर फिर उसी का नंबर देख कर फिर आपको इसका नया लगा देते हैं। ओके, उसके अलावा ध्यान से देखो कि छोटे छोटे कॉम्पोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पर, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ओके, कोई कैसे कैपेसिटर जो है जल कर खराब हो गया या फिर डैमेज हो गया या तो फिर कोई मॉस्फेट खराब हो गया डैमेज हो गया, तो ये जो है बोर्ड, ये जो बोर्ड जो है हमें ये बताता है कि इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि हम जो है कोई भी सर्किट डिज़ाइनर हो या कोई भी वर्कआउट डिज़ाइनर हो, इसके अंदर हमारा जो है कॉम्पोनर का ऑलमोस्ट जितनी भी सिस्टम्स होती है वो शॉर्ट होती है, तो वो जो है वो इसको ढूंढने के लिए हम जो है टेस्टर का या तो फिर हम यूज़ करते हैं मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं या तो फिर कोई टेस्टिंग करते हैं। उसी तरह से अगर ये शॉर्ट हो गया तो वो आगे जो है लाइन या फिर वो डैमेज होगा तो आगे वो जो सिग्नल या तो फिर वो पावर को नहीं भेजेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है आगे आईसी भी काम नहीं करेगी, तो ये जो कार्ड जो होता है ये इसको ये चीज़ नहीं मिले, मतलब कि ये चीज़ इसकी प्रॉब्लम में है, तो ये जो है सभी कंपोनेंट के ऊपर एक सिग्नल बीप करता है मतलब भेजता है। तो जितने भी हमारे जैसे कि एक्स वाई जेड जितने भी हमारे मदरबोर्ड के अंदर लगाए हुए जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको ये जो है भेजता है एक सिग्नल। अब वो सिग्नल सभी के अंदर मिलते हैं लेकिन कुछ सिग्नल्स नहीं मिलते, तो यहाँ पर जो है वो कोड जनरेट करता है। मैं आपको अभी लिस्ट बताऊँगा कौन से कोड वगैरह जो होते हैं आपको मिलते हैं। ओके, ये भी एक एलईडी डिस्प्ले है। ओके, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी एलईडी लगाई जाती हैं, ध्यान से देख सकते हैं इतनी सारी एलईडी होती हैं। कहने का मतलब कि ये जो है आपके सामने ये जो है पीसीआई X16 या पीसीआई कार्ड बोलो, तो ये जो है हमारा टोटली मदरबोर्ड की टेस्टिंग के लिए होता है, मदरबोर्ड को चेक करने के लिए होता है, मदरबोर्ड की सिस्टम को परखने के लिए होता है। क्योंकि हमारा मदरबोर्ड जो है अगर फॉल्ट निकालना है बहुत ही जल्दी आपको निकालना है, तो इससे हम जो है पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे? मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर में से निकालेंगे, कंप्यूटर से निकालने के बाद SMPS में से जो भी हमने वायर निकाले थे वो फिर से हम मदरबोर्ड के अंदर लगा देंगे, फिर CPU लगा देंगे, RAM लगा देंगे, जो भी हम XYZ लगाना है वो बाहर निकल कर हम लगेंगे, फिर बाद में इस कार्ड को हम लगाएंगे। जैसे ही हम इसको पावर ऑन करेंगे या फिर ट्रिगर करते हैं यहाँ पर कि जो इसकी पावर की पिन होती है उसको टेस्टर से शॉर्ट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा लाइव। ओके, अभी नहीं, लेकिन इतना समझो कि ये जो है आपको करोगे तो ये जो है थोड़े टाइम के अंदर आपको ये जो है कोई आपको जो है यहाँ पर नंबर बता देता है यहाँ पर कि यहाँ पर कोर्स हो C1 हो या B1 हो A2 हो, तो क्या है ये बताता है, आपको शो करना है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है मेरी प्रॉब्लम है या फिर ये रैम स्लॉट का आ गया या फिर बहुत सी चीज़ें जो है शॉर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये क्या होती है, हमें एक परफेक्टली बता देता है कि ये चीज़ें हमें जो है वो जो है हमारा एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है या फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो है मदरबोर्ड फॉल्ट है और कहाँ पर फॉल्ट है ये भी हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है मैं कुछ समझाऊंगा। अब आज के टाइम के अंदर अगर आपके पास ये वाला कार्ड है, इससे अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाला कार्ड ले लें, TL611 Pro इसका मॉडल नंबर है, ये TL611 Pro
PCI X16 के अंदर और PCI के अंदर, ये दोनों के अंदर ये काम आता है और ये एडवांस लेवल पर काम करता है यहाँ पर, ओके। इससे भी कई गुना ज़्यादा आपको ये चीज़ 1200 या 2500 के आसपास मिल जाएगी, 2500 के आसपास मिल जाएगी ये कार। अब ये जो है ये मल्टीपर्पज़ के लिए ये डिबग कार बोलते हैं इसको, ओके। तो ये डिबग कार ही है, ये क्या करते हैं ये सभी कार आपस में, मतलब कि ये चीज़ जो कि हमने इसके साथ कनेक्ट किया है, तो सभी जो है इसको सिग्नल भेजेगा, इसका कंप्लीट आ चुका है इसको सिग्नल भेजेंगे, CPU प्रोसेसर रैम जितनी भी टेक्नोलॉजी है मतलब उनके अंदर ये सिग्नल भेजते हैं, सभी में से जो है इसको रिप्लाई मिल जाता है। जहाँ से इसको नहीं मिला, जहाँ से इसको रिप्लाई या सिग्नल नहीं मिले, तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर बीच में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर स्पार्क हुआ, छोटा सा भी कुछ डैमेज हुआ है, तो यहाँ से वो सिग्नल तो मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ से वो समझ लेता है कि यहाँ पर ये जो लाइन जो है, ये सिस्टम जो है यहाँ पर लकी मान के चलते कि ये जो है रैम की लाइन, तो रैम जो है समझ लेंगे रैम की प्रॉब्लम, तो ये जो आपको कोड बताने लगा। जैसे कि यहाँ पर इस मदरबोर्ड के अंदर 88 लिखा हुआ है, ये पोस्ट कोड आज के लेटेस्ट मदरबोर्ड के अंदर ये जो कोड जो है, ये इस तरह की LED का, ये जो है युवक का जो है पहले से इनबिल्ड अब आज के टाइम के अंदर किया जाता है, लेकिन हाई फाई टाइप के मदरबोर्ड के अंदर किया जाता है। ये डिबग कार काफ़ी मॉडर्न टाइप का भी चल रहा है यहाँ पर, 2024 में काफ़ी ये फेमस है, ओके। और ऑलमोस्ट जितने भी मदरबोर्ड डिज़ाइनर हैं, मदरबोर्ड का इंजीनियर रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो ये जो है ये काफ़ी ये जो है हमारा यूजफुल हमारा कार्ड रहा है यहाँ पर, यूजफुल हमारा इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि ये एक बेस्ट टूल आपके लिए होता है यहाँ पर, ओके। तो ये कार्ड आप हमेशा खरीद कर रखिए, क्योंकि तो ये जो है काफ़ी इसको यू कह सकते हो कि एडवांस लेवल टाइप का ये कार्ड आपको मिलता है, ओके। तो मदरबोर्ड के ऊपर PCI-X16 पर फिट करोगे तो भी हो जाएगा, यहाँ पर भी PCI का कार्ड है वहाँ पर भी फिट हो जाएगा, ओके। लेकिन ये ऑलमोस्ट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी कोड्स हैं, ये आपको रिकवर करके दे देता है, ओके। तो कहने का मतलब कि इस कार के ऊपर F4 लिखा हुआ हो तो समझ लो कि स्कजी का प्रॉब्लम है, या फिर A5 लिखा है तो स्कजी का रिसेट है। बहुत सारे A5, A7, A9 ये जो है डेटा सेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी मेरे को वीडियो को पोस्ट करके ले सकते हैं, ओके। ये जो है लेगेसी बूट इवेंट आपके सामने है, ओके। एक्सिट बूट सर्विसेज में आपको इवेंट मिलते हैं यहाँ पर, अगर B0 लिखा गया तो रन टाइम सेट वर्चुअल एड्रेस मैप का बताया है यहाँ पर B4 लिखा है तो यहाँ पर B4 तो हॉट प्लग का सिस्टम वगैरह है। एरर की हम बात करें, ओके, तो CPU इंटीग्रेशन एरर मतलब कि B0 लिखा हुआ CPU की प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर PCH इंटीग्रेशन एरर लिखा है तो D2 लिखा गया है, ओके। अगर यहाँ पर कोई अगर रीड ओनली मेमोरी का प्रॉब्लम है तो D4 लिखा था यहाँ पर। तो देखो कि PC मतलब कि अपने कंप्यूटर को पहले मदरबोर्ड को ओपन किया, निकाला, बाहर निकाला, इसके अंदर फिर से अपने SMP इसकी पिन लगाई, CPU का प्रोसेसर का पावर प्लग लगा, सब कुछ कनेक्शन करने के बाद फिर इसको लगाना है। चालू में कभी मत लगाना, क्यों ना ये जो है आपकी कार का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, डैमेज भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो भी कनेक्टिविटी है, जो भी आपका पहले आपको कनेक्शन करना है, फिर इस कार को लगाना है, फिर आपको मदरबोर्ड को ऑन करना है, ओके। मदरबोर्ड को इसको लगाने के बाद ऑन करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको देखना होता है, ओके। तो यहाँ पर इसी कोड सिस्टम के अंदर माइक्रो कोड नॉट फाउंड है तो फिर आपको माइक्रो कोड का OE मिलेगा, और PCI का कोड प्रोग्रेस जो है PCI कोड स्टार्ट है, CPU अगर ऑन है स्टार्ट हुआ है तो 11 लिखा है, 2B लिखा है तो मेमोरी वगैरह, ये सब कुछ जो है मैं आपको समझाऊंगा, ये कोड आपको अभी इसका टाइम के अंदर पोस्ट कोड के अंदर। तो पोस्ट कोड
कहाँ पर हो सकता है, पोस्ट कब होता है, पोस्ट कैसे होती है, किस तरह से ये वर्कआउट होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी तो मैंने कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कार्ड जो है आपको कंप्यूटर मतलब कि मदरबोर्ड को ऑन करने से पहले लगाना होता है। ओके, तो अगर बायोस का प्रॉब्लम है तो भी ये बता देगा कार्ड। ऑलमोस्ट जितने भी कंप्यूटर नेट हार्डवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर मतलब कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं, प्रोग्राम इंजीनियर होते हैं, जो भी एक्स वाई जेड होगा, ये पोस्ट कोड से हम पहचान लेते हैं। तो ये पोस्ट कोड कैसा होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इसके अंदर सभी जो है मैं कोड समझाने जा रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पोस्ट कोड। तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर पोस्ट कोड क्या होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्कआउट करता है, ये सब कुछ मैं समझाऊंगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बोले। अगर कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। तो पोस्ट कोड से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम याहू ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम पावरफुल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते तो बहुत सारे कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।